हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल मॉडर्न स्टडी में। मैं अरशद खान आज आपको बीए थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर का चैप्टर नंबर 3 आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 हमने पढ़ लिया है। आज हम चैप्टर 3 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पूंजीवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद। तो आज इन तीनों पर आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम वो देखने वाले हैं। इनके बारे में, इस चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इस पूंजीवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी देंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं इसके चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि प्रोफेसर सोमवार्ट ने पूंजीवाद के विकास क्रम को कितने चरणों में बांटा है। तो सोमवार्ट के अनुसार पूंजीवाद का जो विकास क्रम है वो 3 चरणों में रहा है। कौन कौन से विकास क्रम रहे वो हम आगे आपको क्वेश्चंस के थ्रू कवर करते रहेंगे। दूसरा है क्वेश्चन कि प्रारंभिक पूंजीवाद को प्रोफेसर सोमवार्ट ने कब से कब तक माना है, कि जो शुरुआती पूंजीवाद था वो कब से कब तक था। तो वो था दोस्तों 13वीं शताब्दी से लेकर के 1760 ईस्वी तक माना जाता है कि वो प्रारंभिक पूंजीवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अध्ययन की दृष्टि से पूंजीवाद को कितने चरणों में बांटा जा सकता है कि हम अध्ययन कर सकें उसको। तो बांटा जा सकता है इसको कुल हम 3 चरण में बांट सकते हैं, जो कि सोमवार्ट ने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्बंधक पूंजीवाद के प्रतिपादक हैं। तो निर्बंधक यानी कि बिना बंधनों का जो पूंजीवाद बढ़ता हुआ जा रहा है, इसके संस्थापक हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ कॉज ऑफ व्हील ऑफ नेशंस, यानी कि व्हील ऑफ नेशंस जो काज है उसके ये पुस्तक को किसने लिखा है। इस पुस्तक को लिखने वाले हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाणिज्य पूंजीवाद का काल कौन सा है। तो वाणिज्य पूंजीवाद का काल कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी का जो टाइम था, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 16वीं शताब्दी के शुरुआत से और 18वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को हम वाणिज्य पूंजीवाद काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड विलेजिज्म, ये नाम की पुस्तक के लिखने वाले कौन है। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं डॉक्टर भारतन कुनारप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद जो है उपभोक्ता को सत्ता से क्या अभिप्राय है, यानी कि उपभोक्ता जो किसी चीज का उपभोग करते हैं उनको सत्ता से क्या अभिप्राय है, सत्ता को क्या मानते हैं। तो पूंजीवाद में उपभोक्ता जो है वो एक बादशाह की तरह होता है, यानी कि जो लोग होते हैं वो बादशाह की तरह होते हैं, वो जिस चीज की डिमांड करते हैं पूंजीवाद युग में उनको, लोगों को, कंपनियों को वो चीज प्रोड्यूस करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं प्रोफेसर जे एम कीन्स। प्रोफेसर कीन्स ने पूंजीवाद का शुरुआत किया, पूंजीवाद में रोजगार को ला करके रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि संतुलन पूर्ण रोजगार के बिना नहीं मिलता, बल्कि पूर्ण रोजगार स्तर से पहले ही अर्थव्यवस्था संतुलन की दशा में प्राप्त कर लेती है। यानी कि पहले बाजार जो है, अर्थव्यवस्था है, संतुलन की दशा में हो जाता है तो फिर हमें रोजगार मिलता है। इसको कहने वाले हैं प्रोफेसर जे एम कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार पूंजीवाद आर्थिक संगठन की वह प्रणाली है जिसमें प्रकृति दंत एवं मानव निर्मित पूंजी पर व्यक्तियों का निजी अधिकार होता है और उनका उपयोग से वे लाभ के लिए ही अपना उपयोग करते हैं। तो ये कथन कहने वाले हैं लॉक एवं हुट ने कहा कि पूंजीवाद जो है वो आर्थिक संगठन की ऐसी प्रकृति है जिसमें मानव किसी चीज पर अपना निजी अधिकार जमा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, MCM सूत्र की रचना किसने की। तो MCM सूत्र की रचना करने वाले हैं मार्क्स। MCM का अर्थ क्या है, इसमें M का अर्थ क्या है। तो M का अर्थ है मनी, यानी कि धन, जिसको हम मुद्रा कहते हैं वो मनी। MCM में C का क्या अर्थ है, तो MCM में C का अर्थ है कमोडिटी, यानी कि सामान, वस्तुएं, चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसके अनुसार यदि संरक्षणवादी नीतियां नहीं अपनाई गई होती
तो भारतीय कपड़ों की कम कीमतों के कारण ब्रिटेन का औद्योगिक दिवाला निकल गया होता। ये किसके अनुसार है? यह है प्रसन्न पार्थ सारथी के अनुसार कि अगर संरक्षण नीतियां नहीं बनाई जाती तो भारत में जितनी कपड़ों की कम कीमतें हैं उससे वजह से ब्रिटेन की दिवालिया निकल गया होता, उसकी औद्योगिक दिवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी विनिर्माण के जनक कौन है? तो वह है सैमुएल स्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने तकनीकी ज्ञान की चोटी के आधार पर अमेरिका में धागा की मिल बनाई थी तकनीकी ज्ञान के आधार पर? तो वे हैं सैमुअल स्लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवाद को किसने आर्थिक हस्तक्षेप के नाम से अभिहित किया? तो वो करने वाले थे कार्ल पॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार मानव और सामाजिक इतिहास को निर्धारित करने वाली शक्ति ही आर्थिक है? ये कहते हैं मार्क्स के, यानी कि मानव और समाज के इतिहास को बनाने वाली, निर्धारित करने वाली चीज है पैसा, आर्थिक शक्ति, मार्क्स इसके कहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिन्हें एक मजदूर पूरा करता है और पाता है? तो ये कहने वाले हैं मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि जो अतिरिक्त मूल्य है, एडवांस जो वैल्यू है, वो एक मजदूर जितना काम करता है जितने रुपए का और जितना वो पाता है, दोनों के बीच में जो गैप होता है उसको कहते हैं अतिरिक्त मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका कथन है कि पूंजीवाद की रक्षा में श्रम शक्ति दो रूपों में कार्य करती है? यह एक पदार्थ है जिसके लिए मजदूर जो है निर्वाह मजदूरी करता है। ये कहने वाले हैं GH सेवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसने कहा कि पूंजीपतियों और मजदूरों के संघर्ष का अनिवार्य परिणाम पूंजीवाद का विनाश और सर्वहारा का विजय है? ये कहने वाले हैं मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच में अगर संघर्ष अनिवार्य हो जाए तो इसका परिणाम होगा कि पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा और सर्वहारा युग की शुरुआत हो जाएगी, उसकी विजय हो जाएगी। ये कहने वाले हैं मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की एक विशेष अवस्था है? इसको कहने वाले हैं लेनिन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कि किसने कहा कि अब समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति नष्ट हो गई है क्योंकि हर कोई इसे धारण करता है? नेक्स्ट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसको कहने वाले हैं सी एम जोड ने इस विचार को रखा है, इस विचार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजवाद जो है श्रमिक संगठन का एक आंदोलन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए, किसका कथन है? तो ये इमाइल दुर्खीम का कथन है कि समाजवाद जो है वो एक ऐसा श्रमिकों का, मजदूरों का संगठन है जो आंदोलन करके यह बताना चाहता है कि पूंजीवादियों की जो संपत्ति है वो सामाजिक संपत्ति हो जाए, यानी कि किसी एक विशेष तक सीमित ना रहे, सबको बराबर रूप में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने समाजवाद को एक गिरगिट की तरह माना है जो परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदलता रहता है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कहने वाले हैं रैमजे मेयर कि समाजवाद एक ऐसा अवस्था है जो कि गिरगिट की तरह अपनी अनुकूल परिस्थितियों में बदलता रहता है रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि समाजवाद एक आंदोलन भी है, एक विचार भी है? तो यह कहने वाले हैं GDH गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाजवाद एक आदर्श है और एक साधन भी है? इसको कहने वाले हैं HJ लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वर्ण लोकीय समाजवाद में सर्व प्रमुख नाम किसका आता है? तो आता है इसमें मार्क्स का नाम सबसे प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिपब्लिक किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है कि रिपब्लिक जो है काफी इंपॉर्टेंट बुक भी है, इसकी रचना करने वाले हैं प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने समाज के तीन वर्ग, शासक, प्रहरी और उत्पादक की कल्पना की है? तो इसको करने वाले हैं भी है प्लूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूटोपिया की रचना किसने की? यूटोपिया भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, इसकी रचना करने वाले हैं सर टॉम्स मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर टॉम्स मूर जो थे वो निवासी कहां के थे? तो बेसिकली निवासी थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका कि यूटोपिया क्या है? तो यूटोपिया जो है वो एक टापू है, एक द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू
एटलेटिक्स ये किसके लेखक, इसके लेखक कौन है? न्यू एटलांटिक के लेखक है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसके अनुसार ज्ञात के सामान्य तथा व्यापक प्रसार से सामाजिक कल्याण हो सकता है? वो है फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ओसियाना किसकी रचना है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रचना है जेम्स हैरिटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिटी ऑफ द सन ये किसकी रचना है? ये रचना है कैंपेनोलो का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रिश्चियनोपोलिस ये किसकी रचना है? ये रचना है बेलेंटीन एंड्री की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्य में ही नैतिक संस्थाओं की आधारभूत आर्थिक दशाएं होती हैं, ये किसका कथन है? ये कथन है सेंट साइमन का। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉबर्ट ओवेन ने समाजवादी विचारों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास सबसे पहले कहाँ किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने शुरुआत इसकी किया था इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है? तो ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है रॉबर्ट ओवेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। यह है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन ने ही सबसे पहले समाजवाद शब्द की शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से समाजवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो उन्होंने शुरुआत किया था रॉबर्ट ओवेन ने, तो पिता भी उन्हीं को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक जो यूटोपिया है, जो मॉडर्न यूटोपिया है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने वाले थे HG बेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? यानी कि समाजवाद का जनक तो हम मानते हैं रॉबर्ट ओवेन को, लेकिन उसमें वैज्ञानिकता लाकर रखने वाले, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल, कैपिटल मीन्स पूंजी, ये किसकी रचना है? ये रचना है कार्ल मार्क्स की। ये कार्ल मार्क्स की सबसे फेमस बुक थी, जिसने कार्ल मार्क्स को फेमस कर दिया था, वो थी दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन किसने किया? तो साम्यवादी घोषणा पत्र का संपादन करने वाले थे मार्क्स और एंजेल्स, दोनों ने मिलकर के इसका संपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसने कहा कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्था के रूप में पाया और उसे एक निश्चित आंदोलन का रूप बना दिया? ये कहने वाले हैं लास्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि समाज में होने वाला जो परिवर्तन है वही इतिहास है? ये कहने वाले हैं मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि ज्यों ही स्वाधीनता की संभावना होगी राज्य का अस्तित्व का अंत हो जाएगा? यानी कि जब व्यक्ति को अपने आप की स्वाधीनता की, यानी कि अपनी खुद की अधीनता में रहने की संभावना उत्पन्न होगी, तो राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा। और आज आप देख रहे हो लोग अपने खुद के बल पर रहना चाहते हैं और राज्य का अस्तित्व मिट चुका है, कोई राजा नहीं है, हर कोई अपनी सर्विस दे रहा है। तो ये कहने वाले हैं मार्क, नहीं सॉरी, ये कहने वाले हैं एंजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद में निहित धारणाएं जो है वो भ्रामक हैं? ये कहने वाले हैं बर्नस्टीन। बर्नस्टीन ने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद की जो निहित धारणाएं हैं वो बहुत भ्रामक हैं, भ्रम में पैदा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि प्रजातंत्र जो है वो समाजवाद का सार तथा साधन है? यानी कि समाजवाद का जन्म प्रजातंत्र से होता है, ये कहने वाले हैं बर्नस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसने कहा कि अंततोगत्या समाजवाद केवल क्रांति के माध्यम से आ सकता है? यानी कि समाजवाद आने के लिए आपको क्रांति करनी होगी, तभी समाज का जो समाजवाद है वो आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो विचारधाराएं शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक तरीकों से सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं वो समाजवाद कहलाती हैं? तो ये है विकासशील समाजवाद की परिभाषा, कि जो विचारधाराएं शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन चाहती हैं तो उसको हम विकासशील समाजवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो हिंसा में विश्वास करता है तथा सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र के बाद राज्य विहीन समाज की संकल्पना करता है वो कहलाता है क्रांतिकारी समाजवाद। यानी कि जो हिंसा में विश्वास रखता है कि लड़ करके हम सर्वहारा युग को लाएंगे और सभी आराम से राज्य विहीन समाज की स्थापना करेंगे, तो ये कहलाता है क्रांतिकारी समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि समष्टिवाद का शब्दार्थ यह है कि समाज को महत्व देने वाला सिद्धांत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि साम्यवादियों के विपरीत कौन राज्यों को समाप्त करना नहीं चाहते हैं बल्कि उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं, यानी कि साम्यवादियों के खिलाफ कौन ऐसा है जो राज्य को समाप्त करना ना चाहते हैं बल्कि उसका रूप केवल बदल देना चाहते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके समिष्टवादी, जो कि नेक्स्ट पेज पे है, तो आप याद रखिएगा वो कहलाते हैं समिष्टवादी। तो दोस्तों अभी इस चैप्टर में आपके कुल 99 क्वेश्चंस हैं, तो इस वीडियो में लंबी हो रही है इसलिए हम यहीं तक कवर करने वाले हैं 58 क्वेश्चन तक, 59 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आप को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ताकि उनको भी इससे फायदा हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।